खिचड़ी हमारे देश की एक ऐसी रेसिपी जो लगभग हर घर में बनती है, लेकिन हर घर की खिचड़ी का स्वाद अलग होता है। पहले क्या होता था कि जब घर में कोई बीमार होता था तब खिचड़ी बनाई जाती थी, लेकिन आज खिचड़ी ने अपनी एक अलग जगह बना ली है। या तो यूँ समझ लीजिए कि लोग खिचड़ी के दीवाने हो गए हैं। और इतना ही नहीं, हमारे देश में खिचड़ी के इतने सारे आउटलेट्स खुलने लगे हैं जहाँ आपको अलग अलग वेराइटीज की खिचड़ी मिलने लगी है। और इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे स्टाइल की खिचड़ी की रेसिपी, जो थोड़ी सी अलग है, हेल्दी है, बहुत सारे वेजिटेबल्स से भरी है। इंटरेस्ट में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगी। सो हे गाइस, दिस इज प्रीति फ्रॉम स्टोरी ऑफ स्पाइसेस और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं एक हेल्दी और मज़ेदार सी खिचड़ी। तो उसके लिए सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे 2 टेबलस्पून मसूर की दाल, 1 टेबलस्पून मूंग की दाल और साथ में ही हम लेंगे 1 टेबलस्पून तुअर की दाल। मैंने यहाँ पे तीनों दाल का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई एक स्किप भी कर सकते हैं या तो एक दाल से भी बना सकते हैं। अब इसके साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के चावल। मैंने यहाँ पे गोविंद भोग चावल लिया है क्योंकि उसकी खुशबू ना बहुत अच्छी होती है और थोड़ा स्टिकी भी होता है तो खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और चावल भी ले सकते हैं। मैं हमेशा खिचड़ी में चावल का प्रपोर्शन दाल से थोड़ा सा कम रखती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे दोनों बराबर ले सकते हैं। अब इन दाल और चावल को हम 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जितनी देर दाल और चावल भीग रहे थे उतनी देर में मैंने सारी सब्जियों को काट के रख दिया था। भाई हम खिचड़ी बना रहे हैं तो थोड़ी सी हेल्दी तो होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि कुकर को चढ़ाएंगे गैस पे और उसमें हम डालेंगे देसी घी। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना देसी घी लिया है और मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप यहाँ पे सिर्फ घी में ही इस खिचड़ी को बनाएं, तेल बिल्कुल भी ना डालें तो आपकी खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और जैसे ही घी गर्म होता है तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, उसे अच्छे से चटकने देंगे। 4 तीखी वाली हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट लिया था वो इसमें हम डाल देंगे। 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे, ये है अदरक और लहसुन की पेस्ट, तो 1 टेबलस्पून जितना हम इसमें डाल देंगे। एक बार चम्मच से सबको चला देंगे ताकि वो जले नहीं। 1 सूखी वाली लाल मिर्च को भी तोड़ के इसमें डाल देंगे, ये है बारीक कटा हुआ लहसुन, तो 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे। ये हरा लहसुन जब घी में अच्छे से भुनाएगा ना तो वो खिचड़ी को बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है। 20 से 30 सेकंड के लिए सबको अच्छे से भून लेंगे कम आंच पे। एक मीडियम साइज़ के आलू को मैंने छील के इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया था तो वो इसमें हम डाल देंगे। 1/2 कप जितना इसमें मटर डालेंगे, यहाँ पे आप फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। 1 गाजर को भी मैंने छील के इस तरीके से काट लिया था तो वो भी हम इसमें डालेंगे। पालक को भी मैंने धो के इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया था तो 1 कप जितनी पालक है ये भी हम इसमें डालेंगे। सबको एक बार मिक्स कर देंगे और कम आंच पे हम इसको 1/2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि सारे जितने भी वेजिटेबल्स हमने इसमें डाले हैं वो अदरक लहसुन के फ्लेवर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से घर में पड़ी हुई कोई भी सब्ज़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आपकी जो पसंदीदा सब्ज़ी है वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये है कच्ची हल्दी, जिसे इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, तो इसको हम ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। इससे हमारी स्किन भी बहुत अच्छी होती है और खांसी और कफ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और इसका कलर देखो, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना कि आपको इसमें हल्दी पाउडर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसे भी हम बाकी सारी सब्जियों के साथ भून लेंगे। और हम सब जानते हैं कि कच्ची हल्दी को जब हम घी में भूनेंगे तो आहा क्या फ्लेवर देता है वो, और वही फ्लेवर हमारी खिचड़ी में भी आने वाला है। तो सोच लीजिए जो खिचड़ी है वो कितनी मज़ेदार सी है और हेल्दी बनने वाली है। अब 2 छोटी साइज़ के टमाटर को भी मैंने बारीक काट लिया था तो वो भी हम इसमें डाल देंगे और साथ में डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया पत्ती और वापस से सबको एक बार चला देंगे। और वैसे भी आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसको चलाते रहना पड़ेगा वरना वो कुकर में नीचे पकड़ लेगा। और इधर 5 से 7 मिनट में हमारे दाल और चावल दिखेंगे भी अच्छे से फूल चुके हैं तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, तो 1 टीस्पून जितना हम इसमें डालेंगे। ये है घर का बना हुआ गरम मसाला, तो 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे। और साथ में ही हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक हमने आगे कहीं नहीं डाला था तो सबके हिस्से का एक साथ हम इसमें नमक डाल देंगे। अब फाइनली हम सबको मिक्स कर देंगे और कम आंच पे हमें इसे 1/2 से 1 मिनट तक भूनना है। तो यहाँ पे दाल और चावल डालने के बाद 1 मिनट तक भूनने का रीज़न ये है
कि जो खिचड़ी बनेगी ना वो पानी पानी बेस्वाद सी नहीं बनेगी। जब हम इन सबको कम आंच पे अच्छे से भूनेंगे तो सारे फ्लेवर्स जो है ना मिलके बहुत ही अच्छा एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और इसी की वजह से जो खिचड़ी है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए करीब एक मिनट कम आंच पे भूनने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जो वेजिटेबल्स है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और सारे मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो जितनी खिचड़ी होती है उसका 3 गुना पानी हमें इसमें डालना है। कुछ लोगों को खिचड़ी बहुत ज़्यादा गीली पसंद है तो आप उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, और कम गीली पसंद है तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। अब कुकर का ढक्कन हम बंद करेंगे और तेज़ आंच पे हमें 1 सीटी लगानी है। उसके बाद आंच को हम कम कर देंगे और कम आंच पे 2 सीटी लगाएंगे। तो 3 विसल के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे जब तक कि इसमें से सारा जो भाप है वो निकल नहीं जाता। तो थोड़ी देर के बाद जो कुकर है वो ठंडा हो चुका है और सारा प्रेशर इसमें से निकल चुका है, तो हम इसका ढक्कन खोल के हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए जो खिचड़ी है वो अच्छे से सीज गई है और जितना हमने पानी डाला था एकदम परफेक्ट खिचड़ी बनी है इसमें से। और वैसे भी जब खिचड़ी थोड़ी गर्म होती है तो पानी हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन जैसे जैसे खिचड़ी ठंडी होगी तो पानी वो सोख लेता है और थोड़ी सी वो हार्ड हो जाती है। तो खिचड़ी की ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो अब हमारी खिचड़ी एकदम तैयार है, इसे हम एक सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। वैसे खिचड़ी बनाना कोई पहाड़ काम नहीं होता है, बस कुछ मसालों का नॉलेज और उसे बनाने का सही तरीका। तो भाई जिनको खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं उनको ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है ताकि बच्चे या बैचलर कोई भी इसे आराम से बना सकता है। तो हमारी खिचड़ी तो प्लेट में आ गई, अब इसके ऊपर हम डालेंगे देसी घी। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना मर्जी चाहे इसमें घी डाल के इस खिचड़ी का मज़ा ले सकते हैं। और जब खिचड़ी बनाए और उसके साथ पापड़ और अचार ना हो तो फिर मज़ा ही क्या। तो जब भी इस खिचड़ी को बनाएं साथ में पापड़ और अचार ज़रूर सर्व करें। वैसे इसके साथ एक और चीज़ सर्व की जाती है जो मैंने यहाँ पे नहीं रखी है, और वो क्या है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको वो कहावत याद है कि खिचड़ी के 4 यार डैश 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 डैश। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये खिचड़ी की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, बहुत अच्छी लगी, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।